नमस्ते शशिकाल किम छो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आप ये देख रहे होंगे कि इतना ढेर सारा मेयोनीज बन के रेडी है और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा लगा हुआ है। तो इतने कम पैसे में, इतनी कम सामग्री में इतनी आसानी से मैंने ये मेयोनीज बनाई। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कुछ सामग्री से मैंने इतनी थिक मेयोनीज बनाई, वो भी मस्टर्ड सॉस फ्लेवर वाली, और आप देख रहे होंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये देखिए। और इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, आप चाहें तो वेज सैंडविचेस बनाइए, चाहें तो आप इसमें बहुत सारे फ्लेवर दे करके नई नई रेसिपीज बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मेयोनीज मस्टर्ड फ्लेवर वाली मैंने कैसे बनाई। इसके लिए चाहिए हमें एक कप ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप चिल्ड मिल्क लिया है, आप ठंडा दूध लें। इसके अलावा एक टेबल स्पून विनेगर और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, आप मस्टर्ड सॉस की जगह आप चाहें तो हैलोपिनो, गार्लिक, चिली फ्लेक्स, कोई भी फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे मस्टर्ड सॉस यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून चीनी। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं बहुत ही आसानी से। और ये मेयोनीज नॉर्मल मेयोनीज की अपेक्षा जो मार्केट में मिलता है आधे दाम में आप ये मेयोनीज तैयार कर सकते हैं। एक ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ये दूध और ये चिल्ड मिल्क है, साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, शुगर, सॉल्ट और विनेगर, और इसको अब हम ग्राइंड करेंगे तकरीबन हाफ मिनट के लिए। अब हम मिक्सी ऑन करेंगे, इसके ऊपर ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस तरीके का, इसको हटा देंगे और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। तरीके से हम एट ए टाइम बस थोड़ा थोड़ा ऑयल ही डालेंगे और अगेन हम जो है इसको चला लेंगे। पहले इसको बंद करेंगे इस तरीके से, आप चाहें तो ये पूरा खोल के डाल भी सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम फिर से ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और फिर से हम इसको बंद करेंगे और चला लेंगे, स्टॉप करेंगे, और इसी तरीके से हम 3 से 4 बार में ये ऑयल डालेंगे और उसको चला लेंगे। तकरीबन 1 मिनट चलाएंगे जब तक कि आपकी जो मेयोनीज है वो थिक ना हो जाए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या आई है। तो हम एक स्पून लेते हैं और आपको यहाँ लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी मेयोनीज की आई है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। आप ये देख रहे होंगे कि ये किस तरह की कंसिस्टेंसी है, ये देखिए इतनी थिक कंसिस्टेंसी है। अब क्या करेंगे, स्टेज पे हम अपनी मस्टर्ड सॉस डालेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल इसको स्केप कर सकते हैं, मस्टर्ड सॉस को आप यहाँ ना डालें और आप इसकी जगह हैलोपिनो और जो भी हर्ब्स, चाहे बेजिल हो, ऑरिगैनो हो, चिली फ्लेक्स हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ डाल सकते हैं। बस इसको इस तरीके से डालेंगे और एक बार और चलाएंगे। तो देखा ना आपने कि फटाफट 1 मिनट के अंदर ये कैसे हमने बना लिया मेयोनीज, इतना यमी यमी। बस मस्टर्ड सॉस डालने के बाद हम इसको भी एक बार चला लेंगे, बंद कर देंगे और हमारी 1 मिनट के अंदर इतनी अच्छी फ्लेवर वाली मेयोनीज बाजार से भी कम कीमत पे रेडी है। हम इसको निकाल लेंगे इस जार से और इसको मैं अब एक कटोरी के अंदर करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ वीडियो बिल्कुल एडिट करने के मूड में नहीं हूँ और ये जो मेयोनीज है, लुक एट दिस, आप खुद देखिए कि ये किस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, राइट कंसिस्टेंसी है। और आप जब नलिनी इस किचन को सब्सक्राइब करते हैं तो इतने अद्भुत रेसिपीज आपको मिलने वाली है और आप देख रहे होंगे कि ये बाजार जैसा है बिल्कुल, और ये यकीन मानिए घर में बना है तो उससे ज़्यादा शुद्ध है। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से देखिए, एकदम थिक है। अगर आप इसको चिल्ड दूध से बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आपकी वैसे ही बनेगी। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेयोनीज बनाते हैं, मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं और उनकी ये कंसिस्टेंसी नहीं आती है, तो वो वजह यही होती है कि उनका दूध जो है थोड़ा ठंडा रहे तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी आएगी। और जो वेट मैंने बताया है उतना ही लें माप और उसके अकॉर्डिंग बनाएं, तो आपकी यही कंसिस्टेंसी होने वाली। बस अब करना क्या है, इसमें वेजिटेबल्स मिलाइए, अनियन,
अनियन, टोमेटोज, चिलीज और इस मेयोनीज में मिला करके आप ये स्प्रेड बना के घर में रख सकते हैं और ब्रेड के साथ आप इसके तरह तरह के सैंडविचेस बना सकते हैं। आप अपना फीडबैक दें कि ये आपको कैसा लगा। अब फटाफट मैं इस मेयोनीज से आपको सैंडविच भी बना के दिखा सकती हूँ। मैंने उससे एक टेबल स्पून जो है ये मेयोनीज लिया। अब इसमें एक टेबल स्पून हम छोटे कटे हुए महीन प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ गाजर, और इसमें थोड़ा सा ही ऐड करेंगे ये कटे हुए बारीक शिमला मिर्च। बस करना क्या है, कितना आसान है, इसको देंगे एक फटाफट सा इस तरीके से मिक्स। और ये देखिए बच्चों के लिए हेल्दी जो है ये सैंडविच तैयार होने वाला है और ये बन के रेडी हो गया आपका मिक्सचर। अब करना क्या है, मैं चूंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट देती हूँ अपने बेटे को तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड और इसके अंदर हम ये मेयोनीज वाला मिक्सचर इस तरीके से लगाएंगे। वाह क्या टेक्सचर है, आप खुद देख रहे होंगे। और बस अब इसके ऊपर दूसरा वाला ब्रेड लगाएंगे इसके ऊपर। बस अब लंच में देने के लिए या ब्रेकफास्ट में देने के लिए ये हमारा सैंडविच मेयोनीज वाला रेडी है। लुक एट दिस। तो फटाफट बनाएं, नलिनीज किचन जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ रेसिपीज मिलने वाली हैं, तरह तरह की रेसिपीज जो अभी सिर्फ आपने मार्केट में खाई होंगी अब वो नलिनीज किचन के थ्रू आप बना सकते हैं इतनी आसानी से, वो भी हेल्दी। तो आप देख रहे होंगे ये मेयोनीज और मेयोनीज से बनाइए सैंडविच। अपना फीडबैक जरूर दें।